आज से आपका नाम क्या हो गया है? पराक्रमी। ये हरियाणा वाले थोड़े और इधर राजस्थान वाले थोड़े बोलने में पराक्रमी नहीं बोलना, क्या बोलना? पराक्रमी। क्या अब इसको उल्टा कैसे बोल सकते हैं? पराक्रमी, पराक्रमी नहीं बोलना, पराक्रमी। पहले वाला तो क्रय रहेगा, इधर वाला पै के नीचे नहीं है, ये आगे है, पराक्रमी। नहीं तो पी ए आर ऐसा नहीं होता, पी ए आर ए नहीं होता, क्या होता? पी आर ए ऐसा होता, पराक्रमी नहीं। क्या है आप? पराक्रमी बोलो। और कर्मी नहीं बोलना, पराकर्मी नहीं, पराक्रमी। क्या है बोलो? इतना आपको सीखना पड़ेगा। खैर एक तो ये हो गया, अब इसका थोड़ा सा विजन शेयर कर लेते हैं आपसे। तो एक मेरी सबसे बड़ी बात क्या थी? भरोसे की। ये तो बस सबसे बड़ी बात यही है, बाकी इसके इर्द गिर्द सारा ताना बाना है और हम कहीं लगाते भी हैं आपको सेवा में। पहले तो पतंजलि की सेवाएं इतनी हैं और बाद में तो हमने इतना बड़ा सोचा है, इस साल इसका बीज डाला है, अगले साल तक आपका एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंपस तैयार हो जाएगा और वो दुनिया का सबसे बड़ा अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर होगा। देखो हम पतंजलि की तरफ से कुछ भी करते हैं ना तो वो बहुत बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता कुछ भी। गौशाला भी है तो बड़ी होगी, धर्मशाला भी है तो बड़ी होगी, योग का सेंटर भी है तो बड़ा होगा, प्रोडक्ट भी हैं तो बड़े होंगे, ब्रांड भी है तो बड़ा होगा। जहां भी पतंजलि ने कार्य किया है वो नंबर वन कार्य किया, दूसरे दर्जे का काम नहीं किया। तो आपको हमेशा क्या रहना है? नंबर। और हर चीज में, हेल्थ और फिटनेस में नंबर, ईमानदारी में नंबर, डिसिप्लिन में नंबर, अपने ड्यूटी का पालन करने में, कर्तव्य पालन करने में नंबर। अब हमारे सुमेर सिंह जी जहाँ से आए हैं, उस BSF का तो स्लोगन ही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। ये है भरोसा। अब इसके इर्द गिर्द सब लोगों को योग सीखना कंपलसरी है। क्यों? और उसमें भी सूर्य नमस्कार तो कम से कम इनका नियम बना दो जी, 5 से 6 योग। ये तो BSF में भी PT की जगह योग कंपलसरी कर दिया है। योग से कई चीजें फायदा है ना, शरीर भी ठीक रहेगा, लेकिन शरीर शरीर से बात नहीं बनती, शरीर तो भैंसे का भी ठीक रहता है लेकिन जहां देखो वही सींग मार दे फिर तो। दिमाग भी ठीक रहना चाहिए आदमी का, दिल में भावना भी रहनी चाहिए, और ये सारी चीज योग से होती है। खाली फिजिकल फिटनेस, दिस इज वन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आपको योग करना है, सबको गायत्री मंत्र आना चाहिए। और भाई देखो, हम वैदिक धर्म को मानते हैं, सनातन हिंदू वैदिक धर्म, यह हमारा धर्म है भारत का। इसमें हम लोग यज्ञोपवीत पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, सबका संस्कार करते हैं। तो हवन करके सबको जनेऊ भी पहनाया जाएगा और उसमें 3 धागे होते हैं। एक धागा है, हम ऋषियों की परंपरा के हैं, अपने भारत माता का ये जो पुराना गौरव है उसको याद रखना है। दूसरा धागा है कि हम अपने माँ बाप की परंपरा को, अपने कुल वंश को कलंकित नहीं करेंगे, वो दूसरा धागा है। और तीसरा धागा यह है कि हम सत्य के विश रास्ते पर चलेंगे, झूठ बेईमानी विश्वासघात छल कपट ये नहीं करेंगे जीवन में। तो ये हमारी परंपरा है। वैसे तो पहले सब चोटी भी रखते थे, लेकिन तुम्हारी कटिंग के अंदर इतनी सी चोटी सम्मिलित कर लो, किसी को मोटी चोटी रखनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी सी चोटी जरूर रखो, इससे तुम्हें अपनी परंपराओं पर गौरव होता है। तो हम आपको ना, जो विचारधारा है अपनी वह है वैदिक विचारधारा। क्या विचारधारा है? ये थोड़ा सा, कोई भी संस्था होती है ना उसकी आइडियोलॉजी होती है। जैसे मुसलमान लोग होते हैं टोपी ओढ़ते हैं, अब टोपी कौन से, तोप गोले के बम से बचाती है, लेकिन ओढ़ते हैं।
जो ईसाई लोग होते हैं गले में क्या पहनते हैं? क्रॉस पहनते हैं। अब तो वो क्रॉस जो है वो क्या कर सकता है बताओ? कोई क्रॉस क्या कर देगा? बस उनको फेथ है, अपनी बात, अपने उस पर भरोसा है भाई। ऐसे आप देखो तो 2000 साल पहले ईसा मसीह हुए, उन्होंने पूरी दुनिया पर ईसा मसीह का सम्मत लागू करवा दिया। आप लोग बोलते हैं ना 2000 कौन सा चल रहा है अभी, 17 भाई, 2017 साल पहले कौन तेरा बाप दादा पैदा हुआ था? भाई ईसा मसीह पैदा हुआ था, उसके सन जोड़ दिया, इसको ईसवी सन बोलते हैं, ईसा से जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें घुसा देते हैं, अंग्रेज लोग बड़े होशियार होते हैं, घुसा दिया सब जगह, सारी दुनिया अपने कैलेंडर में घुमा रहे हैं, इसको कहते हैं डोमिनेट करना। तो ईसाई लोग ईसा मसीह के नाम से पूरी दुनिया का कैलेंडर चलाते हैं, चाहे हिंदू देश हो चाहे मुसलमान देश हो, सब अपना ईसा मसीह का कैलेंडर चलाते हैं सारी दुनिया में। भाई हमें कोई ईसा मसीह से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जब वो ईसा मसीह का कैलेंडर पूरी दुनिया में चला सकते हैं, क्रॉस लगा करके सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, क्रॉस लगाने में बाद में दिक्कत हुई तो टाई पहनने लग गए, हमारे यहाँ तो किसी ने पहन नहीं रखी है, पहले ये पहनते थे अभी इनकी भी उतर गई। वो टाई क्या है? वो क्रॉस का दूसरा रूप है, किसी के जोर से खींच दे तो फांसी लग जाए गले में। अच्छा बताओ, अब गले में यूं लगा करके उसमें, और फिर यूं टाइट शर्ट पहननी पड़नी पड़ती है, ये ऊपर वाला भी बटन बंद करना पड़े, और फिर ऊपर से, तो इसमें हवा भीतर घुस नहीं सकती, ये हालत हो जाती है। फिर भी टाई पहनते हैं, वो भी क्रॉस का ही प्रतीक है। जब वो टाई पहन सकते हैं, क्रॉस का चिन्ह पहन सकते हैं, वो टोपी पहन सकते हैं, और हर बच्चे का खतना होता है मुसलमानों का, कोई कितना ही बड़ा हो चाहे कोई इतना ही छोटा हो, पता है ना? ज्यादा नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, पता करने की जरूरत नहीं, खतना करते हैं वो, खतना करेंगे, टोपी पहनेंगे, क्रॉस लगाएंगे, टाई पहनेंगे, कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखेंगे। इधर इतनी गर्मी होती है हिंदुस्तान में, फिर भी जीन्स पहन के घूमते रहेंगे, सड़ते रहेंगे गर्मी में। अरे सर्दी में पहन लो ठीक है, गर्मी में भी पहनेंगे। हमारे जून के महीने में कोट पहन के जाएंगे वकील, और पसीने से लथपथ, और काले कोट पर जब पसीना आता है ना तो सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखते हैं दूर से ही, फिर भी पहनेंगे। क्यों? अंग्रेजों की नकल करनी है। जब वो बिना फालतू की चीज़ों का नकल कर सकते हैं तो आपको अपने चोटी और जनेऊ पर गौरव होना चाहिए, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं। मेरे से बोलते बाबा जी आप नहीं इतने सब काम करते हो, आप ये कपड़े भगवे क्यों पहनते हो? मैंने कहा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा था ये बता। मैं भगवे कपड़े इसलिए पहनता हूं, इसके पीछे मेरे करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों का तप छिपा हुआ है, और ये मेरी परंपरा, मैं इस पर गौरव करता हूं। बोले बाबा जी आप जो काम करते हो भगवे कपड़े वालों ने तो ऐसा किया ही नहीं। मैंने कहा जो थारे सामने घूम रहे होंगे कुछ ऐसे आलतू फालतू के, बाबा मैं वो स्वामी रामदेव हूं जो गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि और महर्षि दयानंद की परंपरा को मानता हूं। तो एक बात आपको बताई भरोसे की, और ये दूसरी बात है विचारधारा की। आइडियोलॉजी तो कोई होती है भाई, बिना आइडियोलॉजी को कोई काम थोड़ी चलता है। ऐसा चलो बहुत सी बातें, ये दो बातें याद रखना, और अपने एक इनकी ट्रेनिंग बुक बना दो जी, है ना, उसमें आइडियोलॉजी, अपने संस्था के सिद्धांत, नियम, मर्यादाएं, उसमें आपका खान पान से लेकर के। और ये इसलिए बात बताई, भगवान राम जी बीड़ी सिगरेट शराब पीते थे क्या? बोलो, कृष्ण जी पीते थे? तो भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, हनुमान जी से, भीम से ज़्यादा कोई बलवान हुआ क्या? फिर बल का संबंध तो अलग है भाई। तो ये विचारधारा ये भी है कि अपने मांसाहार की विचारधारा अपनी विचारधारा नहीं है, दारू बीड़ी सिगरेट पीने की विचारधारा अपनी विचारधारा। तो पराक्रम वाले भाई भाई ये कोई, और भाई कोई ये कर्मकांड करता हो तो दक्षिणा दे देना मेरे को, गुरु दक्षिणा भी तो देते हैं ना। कुछ लोग गड़बड़ी करने लग जाते हैं, मेरा बापू किया करता था, थारी तो बात क्या। तो मैंने सबसे पहले अपने बापू से गुरु दक्षिणा ली, हाँ अपने दादा से ली, दादा हुक्का पीवा है, हम छोटे बालक पढ़ा करते,
तो वो कहते हैं बेटा पढ़ाई में पहला नंबर आना चाहिए। मन का दादा पढ़े कहाँ, तू तो मारी आँख फोड़े, जो तू तो ऊका पीवे है तो मारी आँख में लागे, पढ़ाई नहीं होती। दादा ने कह कह करके एक साल लगा उसका हुक्का छुड़वा करके ही हटा, अपने बापू का छुड़वाया। तो जब अपने बापू और दादा को नहीं छोड़ा तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब वो बड़े राजी रहे, वो तो चले गए, एक तो स्वर्गवासी हो गए, एक अभी धरतीवासी हैं बापू। तो आप बताओ, आप यदि बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं तो आप अपने बच्चों के सामने ये काम कर सकते हो क्या? जो अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, जिनके बालक बच्चे हो गए हैं 2 साल 2 साल के, उनके सामने पीते हुए तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारे माँ बाप क्या कहते हैं बीड़ी सिगरेट पीने के बारे में, कहते हैं छोड़ने के बारे में? अरे जोर से तो बोलो। तो थारे माँ बाप कह रहे वही थारा गुरु कह रहा है, इसमें क्या बात है? और वो कोई काम मत करना जिस काम को करने में तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के सामने, गुरु के सामने और बच्चों के सामने शर्म आती हो ना, इसका मतलब वो काम ठीक नहीं है। इतनी सी बात है। बल बाबा जी लत पड़ गई, किसी की लत पड़ जाती है फिर ना उसकी तलब सी उठती है। बोले जी दिमाग ही काम नहीं करता बिना बीड़ी पिए, बिना दारू पिए। मेरा दिमाग काम करता है, क्या दिक्कत हो रही है? अरे जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले उनके दिमाग ठप हुए पड़े हैं। ये जो बड़ी कंपनियां पीछे क्यों जा रही हैं, उनके चलाने वाले ज्यादातर लोग बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले हैं, उनके दिमाग ठप हो गए, अपना बिल्कुल ताजा है और 50 साल 100 साल ऐसे ही रहेगा। तो ये रीति नीति है, आपस में एक दूसरे का कैसे अभिवादन करना, कैसे आदर सत्कार करना, किससे कैसे बात करना। फिर आपको ऐसे ट्रेनिंग के सैकड़ों बिंदु हैं जो सिखाएंगे। आज तो मैं आप खाली आपसे मिलने के लिए आया था और आपसे बताने के लिए आया कि ये भाई एक भरोसा, दूसरा जो है रीति नीति विचार, इसको ध्यान में रखना। और ये काम इतना बड़ा होना चाहिए, देखो अभी तक जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ है ना उनके ऊपर 99% लोगों पर भरोसा नहीं करते लोग। किसी को भी ऐसे ही नीचे जो है पतलून सी पहना दी, ऊपर एक शर्ट पहना दी, कोई ना कोई ड्रेस बना लेते हैं, बस उसके हाथ में डंडा पकड़ा देते हैं, कहीं से भी उठा करके ले आते हैं और फिर बहुत बुरी हालात में। भारत की जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं, एक दो को छोड़ दीजिए, और वो भी विदेशी हैं जी, जो हिंदुस्तान में जिनके ऊपर थोड़ा भरोसा करते हैं ना वो विदेशी हैं। क्या एक तो B4U, कुछ ऐसे विदेशी S4S, कुछ और ऐसे 3-4 अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां। यहां मैं एक दिन प्लेन में चल रहा था तो एक सिक्योरिटी वाला मेरे पास आया, मैंने कहा भाई तुम्हारा कितना यहां पर लोग हैं? बोले जी हमारे तो बहुत जबरदस्त हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड इतने और इंडिया में इतने। तो अभी इसकी नींव डाली है, आगे इसको बहुत बड़ा स्वरूप देंगे और हमारा संकल्प है कि आने वाले 5-10 वर्षों में 10-20-25-50 हज़ार, मुझे तो लगता है ये 1 लाख तक से भी आंकड़ा ज़्यादा जा सकता है पराक्रम का। क्योंकि देखो ये तो ट्रस्ट पर है सारा काम, जब ये लगेगा ना कि भाई इनकी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं है, वहाँ सब तरह का भरोसा चाहिए, पैसे का भी भरोसा चाहिए, चरित्र का भी भरोसा चाहिए। आपके भरोसे अपने बेटा बहू आदि को लोग छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसा होता है। वहाँ करेक्टर की भी सिक्योरिटी चाहिए लोगों को, पैसे की भी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा शब्द है, कई तरह की चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है। इसमें खाली जो है, अब हमने ये शुरू क्यों किया, हमने यहाँ एक दो सिक्योरिटी की एजेंसी रखी तो पता लगा उसको रात को ड्यूटी दियो यहाँ बैठा हुआ है, तो 50-50 टोपी हमने इकट्ठी कर ली, नींद ही नहीं खुली उनकी। जो अपनी टोपी की सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या सुरक्षा करेगा? ये हालात नहीं होनी चाहिए। आदमी को पूरी वफादारी, पूरी जिम्मेदारी। कई बार क्या होता है, आदमी तो वफादार होता है, सब कुछ ठीक है, ईमानदार भी है, चरित्रवान भी है, लेकिन सोता रहता है भाई। ये भी तो वफादारी में आता है कि भाई जिस समय जो जिम्मेदारी है उस समय सोना नहीं है भाई, मर्जी नींद लग गई। अरे तेरी तो नींद लग गई, हाँ तो मामला गड़बड़ हो गया सारा उतनी देर में तो
अब मान लीजिए भाई कोई दुश्मन, आज हम थोड़ी किसी को अच्छे लगते हैं, कोई हमारी सुरक्षा में तैनात है, मान लीजिए हमारे जैसे आपके चारों तरफ भी खड़े हैं कुछ भाई, अब हम मान लीजिए सो रहे हैं तो इनको जागना पड़ता है, मान लीजिए पता लगे कि जी ये भी सो गए और मैं भी सो गया और आके जो काम करना था करके चला गया, हो गया काम, ये तो एक मिनट की चूक है, कितनी, एक मिनट में सारा काम हो जाता है, ठाए ठाए हुई हो गया काम, ये तो दिस इज फिजिकल सिक्योरिटी। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, तो आपको इतने बड़े रूप में सिक्योरिटी, दिस इज ए बिग थिंग, बिग जॉब, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और एक बात और कहता हूं, इसमें जो पढ़े लिखे हैं और जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, वो खाली नीचे की जिम्मेदारी नहीं, हम बाहर से तो ऑफिसर्स लाएंगे ही, जो आपके अंदर जो समझदार जिम्मेदार पढ़े लिखे होशियार बच्चे हैं उनको आगे खाली सिक्योरिटी नहीं, आपको सिक्योरिटी में ऑफिसर्स बनने का भी यहां मौका मिलेगा। ये कैडर बेस्ड पूरा सिस्टम होगा। तो आप अभी ये बड़े रूप में चीज शुरू की और सारी चीजों को, क्योंकि सुमेर सिंह जी जानते हैं, तो मैं अंत में बस इतनी बात कहता हूं, जैसा आपको सुमेर सिंह जी ये नेतृत्व कर रहे हैं, फिर इनके साथ में एक पूरी टीम, आदरणीय श्री यशदेव शास्त्री जी, आदरणीय श्री रमेश शास्त्री जी, डॉक्टर यशदेव जी तो कभी कभी मिलेंगे आपको, लेकिन जो रीति नीति जो सारी आपके सारी चीज़ें बन रही हैं, तो एक एक चीज़ मेरे से भी पूछते हैं सुमेर जी, क्योंकि अब फाउंडेशन बन रहा है ना, बहुत बड़ी चीज़ें बन रही हैं, और मैंने कहा ये काम जो है ना बहुत बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, कि पतंजलि जो सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, तो उसकी सब तरह से आगे, क्योंकि आगे अपने को 500 से ज़्यादा तो स्कूल खोलने हैं, यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा स्वरूप देना है, और पूरे जो स्वदेशी उद्योग है उनको बहुत बड़ा स्वरूप देना है, अपने यहीं पर 20-25 हज़ार लोगों के आने वाले 5-7 सालों में 10 सालों में ज़रूरत पड़ेगी, बाकी लोग अब जब पतंजलि को देखेंगे तो कहेंगे भाई ये चीज़ तो हमको भी चाहिए, और जिस दिन आप थोड़े तैयार हो गए तो उस दिन मैं इसका इतना प्रचार कर दूंगा कि जो सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ 40-50 साल जिनको खड़े होने में लगे थे, वो काम 5 साल में हम करके दिखा देंगे हिंदुस्तान में। और ये स्प्रिट आपकी ऐसी ही रहनी चाहिए। देखो भाई मैं योगी व्यक्ति हूँ, मैं जब योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ तो पूरा करता हूँ, लेकिन फिर जब मैं काम करता हूँ तो उसको भी पूरा करता हूँ। ऐसे ही आपको हम विवेकी भी पूरा देखना चाहते हैं, भक्त भी पूरा देखना चाहते हैं, पराक्रमी भी पूरा देखना चाहते हैं, पुरुषार्थी भी पूरा देखना चाहते हैं। पर अभी नई टीम में अपने भाई कमांडेंट राजकुमार जी खड़े हो जाए, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, राजकुमार जी का, ये भी बड़े स्मार्ट हैं। नहीं तो मैंने देखा कुछ लोग ना पेट छूट जाता है, कमर छूट जाती है, चारों तरफ से एंड बैंड से हो जाते हैं, ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आप चाहे कहीं पर भी सेवा करें, अब जैसे ये विश्वविद्यालय में अभी इतने स्मार्ट हैं एकदम, कुलवंत जी हमारे प्रोवाइंस चांसलर हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के, ये सब ये सेवा वाले हैं, सब एक जुनून है कि हमें करना है बस। आर्य जी हैं अभी 65, कितने हो गए आर्य जी, 71, मैं तो अभी 60 का ही सोच रहा था, वो 71 के हो गए, और ये तो रामलीला में हाथ और पैर दोनों टांग टूंग सब टूट चुकी थी, दोबारा से रिपेयर हुई है जो पाप किया था रामलीला में है? ये जो क्यों बहन जी है, पूरे देश में करीब 20-25 लाख महिलाओं का नेतृत्व करती हैं सुमन बहन जी, 18-18 घंटा 20-20 घंटा सेवा देती है, और जो दे दिया फिर पूछते नहीं हम, ऐसा आप सबको देखना चाहते हैं कि जिसको एक बार जो ड्यूटी दे दी फिर उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े, इसको कहते हैं 100% कर्तव्य का पालन करना। क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, जो तुमने कहा वो हम 100% मान सके, इतना भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए, ये ऐसा है तो ऐसा ही है। और दो तीन कौन कौन बता रहे थे जो अभी नए रखे हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे सूबेदार साहब खड़े हो जाए, हाँ आ जाओ,
हौलदार सोमपाल भी आ जाएं, विजय भी आ जाएं, यशवंत जी भी आ जाएं, हेड साहब आप भी आ जाएं, विश्वनाथ सर, ये सोमपाल, ओमपाल, ओमपाल ये विजय सिंह सर, ये सैनी जी हैं, सैनी, रविंद्र सर, सोनू, ये राजपाल जी, राजपाल, ये वीरेंद्र जी, ये हवा सिंह, ये हेड कलर के हमारे शर्मा जी बीएसएफ से रिटायर हुए हैं, लेकिन हेड कलर का अकाउंटेंट का काम देख। बस मुझे तो इतनी बात कहनी थी, बाकी तो देखो हमारा तो आशीर्वाद ही बहुत है, बाकी सारा काम करने के लिए सुमेर जी पूरे समर्थ हैं, और इसलिए ये काम अभी तो शुरू किया है। अभी तुम्हारा मैंने कहा ना बहुत बड़ा स्वरूप, आगे मैंने जो बताया आपको एक पूरा विजन बता दिया है, बाकी आगे सुमेर जी जोरदार अभिनंदन सुमेर जी का फिर से। परमादरणीय पूजनीय स्वामी जी रामदेव जी महाराज का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हम इन नए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में विराजमान हुए और हमें एक नया रास्ता बताया, नया डगर बताई थी ताकि उस पर चलकर हम एक सच्चे पतंजलि योगपीठ के लहरे प्रहरी के रूप में हम काम कर सकें। और जब हालांकि स्वामी जी मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि जो बातें आपने कही हैं उस विश्वास पर हम 100% शत प्रतिशत पूरा उतरेंगे, ये हमारा आपको विश्वास है। उसके बाद स्वामी जी छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा, हालांकि इनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, आज से ट्रेनिंग शुरू करेंगे, फिर भी हम क्या एक्टिविटी करेंगे आपकी 5 मिनट और लेंगे ताकि इनका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकें कि वेरियस एक्टिविटीज़ क्या होंगी। और एक बात और भी कह देते हैं कि अभी क्योंकि पिछले जो संगठन के शिविर हुए उसमें तो हमने बोला ही, अब आप लोगों का अभी वेबसाइट भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी आप लोगों की, आप लोगों का पूरा फेसबुक अकाउंट भी शुरू कर देंगे, आपका ट्विटर भी होगा, आपके जो भी न्यू वर्ल्ड न्यू टेक्नोलॉजी न्यू साइंस उसके साथ भी आपकी कनेक्टिविटी होगी, और जो युवा भारत से अपने संगठन से जुड़े हुए बच्चे हैं, पतंजलि परिवार बहुत बड़ा हो चुका है, प्रथम प्राथमिकता पतंजलि परिवार के जुड़े हुए बच्चों को देंगे हम, जिससे कि उन बच्चों को संस्कार है, क्योंकि हम संस्कार चाहते हैं। इसमें खाली सुरक्षा खाली एक पहलू नहीं है कि बस खड़े हो गए जी एक ड्यूटी निभा लीजिए, उतना ही नहीं, माने एक एक जैसे समीर जी ने कहा ना एक एक पारिवारिक भावना के साथ, इसको कोई नौकरी नहीं है, ये तो ठीक है घर परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैसे ज़िंदगी में अंतिम लक्ष्य नहीं है, सेवा और विश्वास ही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है। पैसा तो साधन है, ठीक है घर परिवार चलाना है उसके लिए भी ज़रूरत है उसकी, तो इसमें आगे अपने पांचों संगठनों से जुड़े हुए लोग, पतंजलि परिवार से जुड़े हुए लोग और आपसे भी जो जुड़े हुए लोग हैं, तो एक श्रृंखला बनाएंगे इसके, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई ये भेदभाव अपने यहाँ होता नहीं है, आपको इस बात का पूरा पता होना चाहिए सबको, तो ये आपकी ट्रेनिंग में रीति नीति में जो अपनी पुस्तक बनेगी उसमें भी इन चीज़ों को डालेंगे कि यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वनवासी कोई एक ही साथ बैठकर सब एक मनुष्य है बस, तो ये सिद्धांत आपको विचार बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके साथ आपको काम करना है। अब अगला डेमोन्स्ट्रेशन।